सो फ्रेंड देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसकी सहायता से फ्रेंड्स आप महीने की कम से कम अगर आप इनकम करोगे तो महीने के 30,000 रुपये प्रति महीना आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा बिजनेस है, अभी आप लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस को करके कैसे इतना ज़्यादा पैसे कमाया जा सकता है। बट यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये बिजनेस करते हो जो मैं ट्रिक बताता हूँ इस ट्रिक से करते हो, तो आपको मात्र 2 घंटा काम करना है, एक दिन में ज़्यादा नहीं, आपको मात्र 2 से 3 घंटा करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि 2 बजे के बाद, ठीक ना, 2 बजे के बाद आपको इस काम को करना है और डेली आप कर सकते हो, और डेली जो है कि आप पर डे जो है कि मात्र 2 बजे के बाद इस बिजनेस को करके आप डेली 1,000 रुपये बचा सकते हो और महीने का 30,000 रुपये आपका बचेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन सा ट्रिक है जिसकी सहायता से आप महीने के 30,000 रुपये कमाएंगे, इस प्रोडक्ट को कहां से खरीदेंगे, कितना रुपए में ये प्रोडक्ट मिलेगा, कैसे सेल करेंगे, सारा कुछ ए टू जेड इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। सो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार है जो कि 8-10 हज़ार रुपये का जॉब जिन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक ना, तो वे लोग सोचते हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे कि महीने के कुछ अर्निंग हो और जिससे अपने घर का या फिर फैमिली का खर्चा चले। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, जिससे मेरा चैनल किसी और दूसरे के पास पहुंचेगा, जिससे कि जो लोग बेरोजगार होंगे उन्हें जो है कि वीडियो देख करके कुछ बिजनेस आइडिया मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको इसे होलसेल में खरीदना है। देखिए यहां पर फ्रेंड्स अलग अलग बंडल है, ठीक ना, 12-12 का बंडल, मतलब एक दर्जन का अलग अलग बंडल आता है, ठीक ना। आपको करना क्या है कि दर्जन के हिसाब से नहीं खरीदना, ठीक ना, आपको बंडल के हिसाब से खरीदना। जब भी आप इसे बंडल के हिसाब से खरीदेंगे तो ये बहुत सस्ता मिलेगा, ठीक ना, आपको 500 रुपये में सैकड़ा मिलेगा, 500 रुपये में 100 पीस, ठीक ना। तो आपको जो है कि एक एक झोला आपको 5 रुपये का पड़ेगा, और आपको पता है कि मार्केट में कितना रुपये में बिकता है, यही झोला मार्केट में बिकता है 10 रुपये का। तो कैसे आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे होंगे बट जो है कि इतना ज़्यादा नहीं पैसे कमाते होंगे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे तो 200-300-400 रुपये पर डे कमाते होंगे। लेकिन तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आप डेली पर डे जो है कि 1,000 कमाएंगे, और भी ज़्यादा मेहनत नहीं, ठीक ना, दिन भर आपको नहीं मेहनत करना, आपको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा टाइम देने के बाद जो है कि पर डे आप 1,000 रुपये कमाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए आपके मार्केट में या फिर आपके घर के अगल बगल में, ठीक ना, सप्ताह में यानी 7 दिन में 2 दिन तो मार्केट लगता होगा, ठीक ना, क्योंकि गांव एरिया में होता है ना कि सप्ताह में 2 दिन लगता है, और शहर में जो है कि डेली लगता है। लेकिन तो बहुत सारे लोग मेरा वीडियो गांव से देख रहे हैं, अगर शहर से देख रहे हैं तो जो है कि वो डेली बिजनेस को कर सकते हो, मतलब एक ही जगह पर डेली प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन तो अगर आप लोग शहर से नहीं हो, देहात से हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा दूसरे जो है कि गांव में या फिर दूसरे चौराहे पर डे घूम करके इस प्रोडक्ट को बेचना होगा, ठीक ना। तो देखिए आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके गांव या फिर आपके एरिया में जो है सप्ताह में 2 दिन मार्केट लगता है, जैसे मान लीजिए एक दिन मंडे को लगता है और एक दिन जो है कि फ्राइडे को लगता है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है कि मंडे को जैसे आपके एरिया में लगता है तो आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट का जो है एंट्री होता है ना, वहीं पर आपको ये झोला लेकर के आपको खड़ा हो जाना है, ठीक ना, और आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक साइकिल है तो साइकिल से भी जो है कि इस झोले को लेकर के वहाँ पर खड़ा हो जाइए और इसे आप बेच सकते हो, ठीक ना। आपको करना क्या है कि बस वहीं पर खड़ा हो जाना है, और मार्केट में एक दिन में पता है 10-10 हज़ार लोग मार्केट करने जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गांव एरिया में होता क्या है कि सप्ताह में 2 ही बार जब मार्केट लगता है तो सब लोग यही सोच करके चलते हैं कि जब मार्केट लगेगा तब जाकर के हमें सब्जी या वगैरह कुछ भी लाऊंगा, ठीक ना, सब्जी का मार्केट लगता है, और कोई मार्केट नहीं मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो जब सब्जी का मार्केट लगता है तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि विदाउट झोला का जाते हैं मार्केट करने, जो कि घर से नहीं लेकर के जाते हैं। तो वे लोग करेंगे क्या कि जैसे ही एंट्री करेंगे तो उनका नजर जब इस पर पड़ेगा तो ये मात्र 10 रुपये का प्रोडक्ट है, ज्यादा महंगा नहीं है, और इसमें पूरा मार्केट हो जाएगा, ठीक ना, जो कि काफी बड़ा झोला आता है, देखिए यहां पर इतना बड़ा है जो कि काफी ज्यादा इसमें प्रोडक्ट फील हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एंट्री वाले गेट पर बैठते हो, अगर वहां पर इस प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपका बहुत ज्यादा इनकम होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दुकान पर घूम घूम करके प्रोडक्ट बेचते हैं, बट वहां पर बेचने से क्या होगा कि वहां पर आपको होलसेल रेट देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाते हो ना, जो कि सब्जी वाले मंडी में, तो वहां पर आपको इसे होलसेल में नहीं, आपको एक पैकेट जो है कि एक पीस जो है कि 10 रुपए का रिटेल करना होगा, और एक पीस बेचोगे तो तुरंत आपका 5 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। अगर एक दिन
में ज्यादा नहीं 200 बिक जाता है, ठीक ना। आपको करना क्या है कि 2 बजे के बाद मार्केट जाना होता है, क्योंकि शाम को ही मार्केट लगता है, तो आपको 2 बजे के बाद जाना है मार्केट। उसके बाद जाइए वहां पर बैठे रहिए, उसके बाद आप जो है कि शाम तक करीब 5 या 6 बजे तक बैठिए, उसके बाद आप घर पर चले जाइए। अगर 2 बजे से 5 बजे तक बैठते हो तब भी बहुत इजिली 200 से लेकर 250 झोला यहाँ पर एक दिन में बिक जाएगा, ठीक ना। अगर एक दिन में 200 झोला बिक जा रहा है तब भी आपका 900 से 950 रुपये का बेनिफिट हो जा रहा है। अगर किसी दिन 200 से ज़्यादा बिक जाता है तो 1000 रुपये से पार चला जाता है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग ये झोला खरीदना चाहते हो, अगर आप लोग गोरखपुर से हो तो साहबगंज मार्केट में ले चले जाइए, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा भरमार है, वहाँ पर जो है कि आप इसे खरीद करके जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट देखिए, अगर आप झोला का बिजनेस देखेंगे ना, तो आप कहीं भी रहते हो, आपके ही एरिया में अगल बगल आप पता कीजिए ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद से घर पे ही झोला बनाते हैं और बना करके जो है होलसेल रेट में ले जा करके बड़ी बड़ी मंडियों में सेल करते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो लोग बनाते हैं उन्हीं से आपको कॉन्टेक्ट करके आपको इस झोला को खरीदना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग बेरोजगार हो तो इस बिजनेस को करिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा खासा पैसे कमाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।